दोस्तों क्या होगा जब हम मूस के सिंग और सांड के हड्डी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख दे तो क्या होगा? ये तो सभी जानते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस कितना पावरफुल होता है। तो मूस के सिंग और सांड के हड्डी में से कौन सा चीज हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे टिक पाएगा, चलिए जानते हैं। सबसे पहले सांड के हड्डी को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देते हैं और प्रेशर देना शुरू करते हैं। अरे ये क्या गाइस, 5 टन का प्रेशर पड़ते ही ये पूरी तरह से टूट जाता है। अब हम मूस के सिंग को हाइड्रोलिक प्रेस के नीचे रख देते हैं और प्रेशर देना शुरू करते हैं। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये क्या गाइस, पूरे 20 टन का प्रेशर पड़ने के बाद ये भी टूट जाता है।